सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आप सबके मानदेय में वृद्धि का निदेशालय से आदेश आ गया है। अब मानदेय वृद्धि की स्वीकृति मिल गई है। अगले महीने 1 अक्टूबर से ये लागू हो रहा है। ये जानकारी कौन से राज्य की है जान लेना बहनों, और इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत सी जानकारियां अलग अलग राज्यों की लगी हुई हैं। तो सबसे पहली जानकारी जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर, वो सलमा भी बहन साजापुर से आती हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग भोपाल से जारी कल 21 सितंबर का आदेश भेजा है, और कल 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार अजय कटेसरिया उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग में। उन्होंने कल 21 सितंबर को अपने यहां से आदेश जारी किया है और मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दे दी है। लिखा गया है क्रमांक 2266 राज्य शासन के द्वारा मंत्री परिषद आइटम क्रमांक 12 दिनांक 16 सितंबर 2023 के निर्णय के अनुसार प्रदेश में दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से आंगनबाड़ी सहायिका के मासिक मानदेय रुपये 5,750 से बढ़ा करके 6,500 रुपया एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मासिक मानदेय राशि रुपये 6,500 से बढ़ाकर 7,250 रुपया किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तो अब सहायिका बहनें और मिनी बहनें, आपका जो मानदेय है मध्य प्रदेश में वो 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है, और कितना आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को 6,500 रुपया मिलेगा, और जो मिनी बहनें हैं उनको 7,250 मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आंगनबाड़ी बहनों का 3,000 वृद्धि हुआ था पहले 10 के हिसाब से, तो वहां पर 13,000 हो चुका था, और आंगनबाड़ी बहनों को वो 13,000 रुपया मिल भी रहा है। अब अक्टूबर महीने से ये लागू है, यानी नवंबर में जब मानदेय आएगा अक्टूबर का, तो सहायिका बहनों को 6,500 रुपया मिलेगा, और जो मिनी बहनें हैं उनको कितना मिलेगा, 7,250 रुपया मिलेगा। और ये बढ़ा हुआ पैसा जो सहायिका मिनी का है वो लागू है 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से जब पूरे अक्टूबर महीना का पैसा आप सबको जो मिलेगा नवंबर में, तो नवंबर में ये बढ़ी हुई राशि आप सबको देखने को मिल पाएगी। उम्मीद है आप सब इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो मध्य प्रदेश में एक ये बढ़िया सी सौगात सरकार ने आंगनबाड़ी मिनी सहायिका सबके लिए जारी कर दी। पहले सहायिका मिनी के लिए बहुत ही कम रुपए बढ़ाए गए थे, बाद में उसमें सरकार ने उतना ही और वृद्धि किया, और इस तरीके से आपने वृद्धि को जाना है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, और भी खबरें आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश से आपने सहायिका मिनी के मानदेय में वृद्धि का सरकारी आदेश भी निदेशालय वाला जारी हुआ देख लिया है, स्वीकृति भी सब पता चल गई। उम्मीद है अब आप लोगों को इससे रिलेटेड संबंधित कोई जो है सवाल नहीं रहेंगे। माया बहन है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से आती हैं, और जिन्होंने ऑल इंडिया को अपने वहां से अपना एक चेक भेजा है, जो कि आप देख रहे हैं राज्य मंत्री महोदय वहां पहुंची थी और बहनों को प्रशस्ति पत्र दिया, और साथ ही साथ बहनों को 5,000 रुपये का एक चेक भी दिया। अब माया देवी बहन का ये चेक आप देख सकते हैं, नाम भी लिखा है माया देवी और 5,000 रुपये। अब आप सब बहनें भाई देखें, ये अपनी ही बहनें हैं जो ऑल इंडिया से जुड़ी हैं, डेली अपने कामों को अच्छे से करती हैं, जानकारी भेजती हैं, सब कुछ करती हैं, तो इनके अच्छे काम के प्रति 5,000 रुपया मिला है, और ये राशि हर ब्लॉक से दो दो आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को चयनित करके दी जाती हैं जो उत्कृष्ट कार्य करती हैं। अब माया बहन का ये प्रशस्ति पत्र भी आप देख रहे हैं, जिसमें क्या लिखा गया कि माया देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मंडौर प्रथम से, परियोजना मऊ है, जनपद चित्रकूट है, पोषण माह सितंबर में कुपोषित बच्चों के प्रबंधन, पोषण ट्रैकर में कार्य, समुदाय आधारित गतिविधियां, समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता लाने, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित समस्त 6 सेवाओं को प्रदान करने में सराहनीय कार्य किया किया है, और इसी संबंध में पुष्टाहार विभाग द्वारा चित्रकूट के द्वारा माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला,
उनके द्वारा यह सम्मान प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो इस तरह से अच्छी बात है, प्रशस्ति पत्र मिला, साथ में 5000 रुपए का चेक मिला। एक टाइम था जब आप देखती थी बहनों को केवल प्रशस्ति पत्र थमाए जाते थे और सम्मान पुरस्कार स्वरूप पैसे नहीं मिलते थे, जबकि हमेशा मांग की ऑल इंडिया ने भी कि बहनों को इन कागज के टुकड़ों के अलावा भी कुछ ऐसा दिया जाए जो उनके आर्थिक स्थिति में मददगार हो और बहनों को कार्य करने के प्रति थोड़ा और जो है प्रेरित कर पाएं। अब केवल ये प्रशस्ति पत्र तो प्रेरित नहीं कर पाएंगे, काम का दाम मिलना भी जरूरी होता है। लेकिन वो समय बदला, लेकिन अभी भी बहुत सी बहनें हैं जो काम तो अच्छा करती हैं लेकिन उनको ये राशि नहीं मिल पाती। तो कहना चाहेंगे विभाग उनके मानदेय पर फोकस करे, उनके कार्य के प्रति उनको कितना मानदेय वो हक रखती हैं उस पर फोकस करे, ताकि हर बहन को ये लाभ मिले। केवल ब्लॉकों से एक दो बहनों को चयनित कर देना और ये राशि मिल जाना, इससे सभी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं इनका मानदेय भी बढ़े और ये जो बहनें अच्छा कार्य करती हैं केवल इनको इतना पैसा भेज देने से भी इनका कोई अच्छा भला नहीं होगा। तो इसीलिए हम सब यही चाहते हैं कि कृपया इस पर विभाग संज्ञान ले। माया देवी बहन चित्रकूट से, उन्होंने अपने यहाँ से देखिएगा ये भेजा भी लिखा भी था, मैं माया देवी चित्रकूट से 20 तारीख को राज्यमंत्री जी आई थी प्रतिभा शुक्ला और प्रमाण पत्र दिया, 5000 रुपये का चेक भी दिया। तो इस तरह से उन्होंने ये फोटो वोटो भेजी थी। अब वहीं तनवीर जहाँ बहन है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से आती हैं, इनके अकाउंट में 500 रुपये कल 21 तारीख को पहुँचे हैं, जिसके बारे में बहन ने ऑल इंडिया को एक मैसेज भेजा है और नीचे लिखा है ये 500 रुपया अभी आया है और बीएलओ का है, बीएलओ के पैसे के मैसेज में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है, इस तरह से बहन ने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आजमगढ़ यहाँ पर जनपद भी लिख कर के आया, तो ये 500 रुपया हाल ही में आया। कैसर जहाँ बहन बस्ती से आती हैं, इन्होंने जो है एक मैसेज भेजा था, इन्होंने लिखा कि भैया जी 10:30 AM हमारे बैंक अकाउंट में 5500 आए, ये सब लिखा, बाकी हमारा जो नाम है कैसर जहां रुदौली बस्ती से सेव कर लीजिए, क्योंकि हमारे ब्लॉक की कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने फोन करके ब्लॉक का नाम जुड़वाने के लिए कहा है। देखो बहन, इसमें किसी को बुरा ना लगे, नाम और नाम के साथ जिले का नाम दो चीज़ें जरूरी हैं और दो चीज़ें ही संभव हैं नाम की फीडिंग में। अब कोई बहन का एक नाम, उसके बाद उनके ब्लॉक का नाम, फिर उनके बाद जो है उनके आंगनबाड़ी बहनों के जिले का नाम, तीन तीन चीज़ें इकट्ठा एक साथ बहुत लंबी हो जाएंगी और पूरा वहां पर शो भी नहीं करता व्हाट्सएप पर। तो इस तरह से चीज़ें संभव नहीं है इतना बड़ा कि सब कुछ लिखें, कार्यकर्ती का नाम भी लिखें, ब्लॉक का नाम लिखें, परियोजना का लिखें, फिर बहनें कहेंगी गाँव का भी लिखो, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर का भी नाम लिखो, भाई सारी चीज़ें संभव नहीं है। कार्यकर्ता बहनों, आप सबका नाम लेना और आपके जिले का नाम लेना इतना ही संभव हो पाता है। बाकी जो बहनें मैटर भेजती हैं, फोटो भी अपना भेजती ही रहती हैं, तो लोग तो उनको जानते ही हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, कृपया अपने इस तरह से चीज़ों को ना कहें कि हमारे ब्लॉक का भी नाम जोड़ो या गाँव का भी जोड़ो, इस तरह से तो नाम सबके सेव हैं और इस तरीके से हैं नाम के साथ जिले का नाम, क्योंकि इतना जब छोटा रहेगा तो बताने में करने में आसानी है, वरना बहुत सर दिक्कत भी हो जाती है। अब देखिए लेगा सुधांशु भाई, नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण देवी देवरिया जनपद से हूँ और भाई आपसे ये बताना चाहती हूँ कि बहन का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा, यानी फीस पेंडिंग दिखा रहा, ये फीस वाला पेंडिंग नहीं है, एडमिट कार्ड निकलने के लिए फीस लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए भाई फीस लग रहा है, बहन ने जानकारी साझा की है, तो जिनका भी एडमिट कार्ड निकलना है वो अपना कृपया ध्यान दें इस बारे में। जनसेवा केंद्रों पर जहां कहीं एडमिट कार्ड निकलते हैं कैफे में, तो वहां जाएं और उनको अपना बताएं कैसे क्या सिस्टम है, वो अपना चेक करके आपको बताएंगे। वहीं आगे शुभरात्रि बहन चित्रकूट जनपद से आती हैं, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है और ऑल इंडिया को ये भेजा भी है, सब बहनों का लखनऊ ही लगा है। आगे देखेगा यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दर्शाए गए हैं कि कैसे क्या होगा, कितनी देर पहले पहुंचना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है, प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार, वो बंद कर दिया जाएगा और फिर उस दशा में बाद में किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया है कि हर हाल में आधा घंटा पहले तो सेंटर बंद हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, अगर ये दोपहर वाली मीटिंग में है 3 बजे से 5 बजे,
तो 3 बजे के पहले यानी 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 2:30 बजे के पहले आप पहुंच जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे, इसीलिए बोला गया 2 घंटा पहले पहुंच जाओ, यानी 3 बजे पेपर है तो आप जो है 1 बजे पहुंच जाएं, समझ गए, 1 बजे पहुंच जाएंगे, 1 से 2 और 2 से 3, 2 घंटे पहले हो गया तो आपकी एंट्री 1 बजे से शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद बंद। तो इस तरह से बाकी चीज़ें यहाँ पर सब दर्शाई गई हैं, कक्षा में बात बात मत करना, अपना काम करना, यही सब चीज़ें। और परीक्षा केंद्र का कोड 5 अंकों का होता है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिले का कोड है और अंतिम जो 3 अंक कोड है वो परीक्षा केंद्र के कोड हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सेंटर का ये कोड और ये एक ये 2 ऊपर के 3 ये नीचे के दर्शाए गए हैं, सामने साफ नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप फोकस कर लेना। ऊपर के जो जैसे 47 लिखा तो वो उनका एक कोड हो गया और नीचे 078 लिखा वो कोड हो गया। तो ये कोड है पूरे 5 अंकों का है, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, जिसमें 2 प्रथम अंक जिला कोड और बाकी परीक्षा केंद्र का कोड। तो ये पूरा 5 अंकों का मिला करके बन जाएगा। इस चीज़ का आप जो है क्या करें, ध्यान रखें, और बाकी अपना इसमें जो भी दिया उसको अच्छे से पढ़ लेना और कोई गलतियां ताकि वहां पर ना हो। तनवीर जहां बहन आजमगढ़ से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से बताया कि HP गैस के सर्वे हो रहे हैं, गैस की बुक वापस करने के लिए 236 रुपया ले रहे हैं, नहीं तो बुक नहीं देंगे। सिर्फ HP गैस का ऐसा हो रहा है, पता करके बताइए क्या 200 रुपया मोदी जी इसीलिए जो है यहाँ पर कम किए थे। मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, आप जो भी कहते हैं सब सही बोलते हैं। देखो बहन, आपका नाम तनवीर जहां आजमगढ़ से, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस तरह से आपसे लिया जा रहा है, अगर गलत तरीके से लिया जा रहा, तो क्या मोदी जी को वहां से दिख रहा है कि वो आपके वहां कौन लूट रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई गलत जो निचले स्तर के कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप एक्शन लें, उनके खिलाफ आप शिकायत करें, तो बात समझ में आती है। अब 200 रुपया गवर्नमेंट ने कम किया है तो वो कम किया है, वो इसलिए नहीं कि यहां पर आपको लगता है कि 236 रुपया वहां पर लिए जा रहे हैं वापस करने के लिए, पासबुक ऐसा वैसा जो स्टीकर लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपने कुछ बातें कही थी, तो आप ध्यान दें कृपया इस मामले में। अगर कुछ ऐसा है, गलत है, आपको लगता है नियम विरुद्ध है, तो इस चीज की शिकायत करो भाई, साक्ष्य आपने ले जा करके DM कार्यालय में पेश करो, शिकायत करो फलानी जगह ऐसे ऐसे शोषण हो रहा, तो कार्रवाई उन पर खुद की जाएगी। अब इस बारे में सिर्फ कहने से और इधर उधर जोड़ देने से बहनों समस्या समाधान नहीं होता। अब कहीं पर भी ऐसा हो रहा हो, पासबुक HP वालों में ये कह रही हैं कि वहाँ 236 रुपया ले रहे हैं सबसे, तब वापस कर रहे हैं पासबुक, नहीं तो दे नहीं रहे हैं, उसमें स्टीकर कोई किसी तरह का लगा रहे हैं, इसके लिए पैसे ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो पैसे लेकर की चीज़ें हैं या नहीं है, गैस से रिलेटेड मैटर है, तो कृपया आप इस बारे में विभाग सरकार से पूछें, सरकार का मतलब लिखित में किसी न किसी अधिकारी कार्यालय से पूछें या गैस एजेंसी में जो भी मेन है वहाँ पर जा करके बात करें, पूछें, नहीं समझ में आता तो शिकायत करें विभाग सरकार से, मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जहां कहीं आपको सही लगे, ये आपका अधिकार है, समझना आपको है। अब इसमें मोदी जी को जोड़ रहे हैं कि मोदी जी ने इतने रुपए 200 कम कर दिए तो जो है क्या इसीलिए कम किए, बताओ क्या मोदी जी वहां बैठ करके स्टीकर लगा रहे हैं या आपको पैसे उसके लिए वसूल रहे हैं या मांग रहे हैं, मांग कौन रहा है, वसूल कौन रहा है, सही कर रहा गलत कर रहा, इसको समझो परखो और उस हिसाब से अपना उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप मैटर डालो, ये चीजें समझ में आती हैं। रेखा बहन चित्रकूट से हैं, देखो इनके वहां पर भी प्रशस्ति पत्र बहन को दिया गया है और सितंबर में अच्छा काम किया उसी से रिलेटेड है, और रेखा बहन चित्रकूट से उनको देखो ये 5000 रुपए वाला चेक भी मिला है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, तो काफी बहनों को जगह जगह चेक वितरण किए गए हैं, जैसा कि आप सबने अभी इस वीडियो में कई बहनों का देख भी लिया। रेखा बहन चित्रकूट से यहां पर इनको प्रशस्ति पत्र साथ में चेक दोनों दिए जा रहे हैं, वहीं से एक फोटो भी है। ऐसे ही रिक्की कुमार भाई हमारे माधेपुरा से आते हैं और माधेपुरा से उन्होंने जानकारी भेजी है, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से 19 सितंबर को जारी एक लेटर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी माधेपुरा बिहार के लिए है, विषय है 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में। तो माधेपुरा में बहने 29 सितंबर को अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं, जिसकी सूचना बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पत्र द्वारा सरकार को भेजी भी जा चुकी है, आवेदन भी संलग्न है, तो आवेदन की स्वीकृति के लिए ये भेजा गया है। कुमारी जो कि यहाँ पर पल्लवी जी हैं जिलाध्यक्ष माधेपुरा से, उन्होंने ये लेटर टाइप किया। उमा महल लखनऊ से, उन्होंने अपने वहाँ से पोषण मटके को लेकर के एक फोटो भेजी है, और ये एक बहन है तनवीर जहाँ आजमगढ़ से, इनका ही गैस का कनेक्शन था, नीचे उन्होंने लिखा था कि 236 रुपये का
स्टिकर लगाते हैं जो पैसा दे रहे हैं उनकी बुक पर और लगा रहे हैं, और जो नहीं देते हैं उनकी बुक पर स्टिकर नहीं लगाते हैं। तो भाई स्टिकर कैसा है, क्या है, किस लिए जरूरी है, ये अपना पता कर लो और उसके लिए पैसे लगते हैं कि नहीं, फिर उस हिसाब से आप बात करो और आगे कार्रवाई करवाओ, उनके खिलाफ आप एक्शन लो। अब इसमें मोदी जी को आप जैसे घसीट नहीं कि क्या 200 रुपए के लिए ही मोदी जी इसी काम के लिए पैसे बढ़ाए थे, तो भाई इसके लिए नहीं बढ़ाए थे, यानी कम किए थे मोदी जी ने, इसके लिए कम नहीं किए, या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी लागू करे तो शोषण अधिकारी निचले स्तर पर कर रहे हैं। उनके खिलाफ गवर्नमेंट को जब आप शिकायत करेंगी, उनके खिलाफ जब आप लोग लड़ेंगी जो जिनका शोषण हो रहा है, तभी तो कुछ उनको पता चलेगा, एक्शन लेंगे। अब कई बार तो हमारे पास ही हमारी बहनें आप सबकी तरह आती हैं और कहती हैं भैया हमारी ये समस्या है, ये कर दो वो कर दो, फिर कहती हैं हमारा नाम मत बताना। अब कभी खुदा न खास्ता बता दो तो बाद में विभाग से कार्रवाई के लिए जब मैटर आए तो फिर वो पलट जाती हैं, कहती हैं हमने शिकायत ही नहीं की, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमारी मैडम बहुत बढ़िया है और हमारा सब कुछ ठीक है। तो कौन दोषी हो गया? दिखाने वाला। तो इसीलिए कृपया चीजों को समझो, और केवल वो कहते हैं ना टटिया की आड़ में शिकार खेलना, वो चीजों को बहनों बंद करो। अब ये कड़वा सत्य है हमारे समाज का, क्योंकि अगर आप मैदान में आकर के खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद अपनी समस्या के प्रति नहीं लड़ेंगी, जिम्मेदार नहीं बनेंगी, तो कोई और आपको न्याय नहीं दिला सकता। हम चिल्लाएं या हमारे जैसे सैकड़ों लोग चिल्लाएं, अगर आप या आपकी तरह अन्य बहनें खुद अपने लिए वो नहीं तैयार है लड़ने के लिए, तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता। इस बारे में आप सबको सोचना चाहिए। केवल मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये एक कटु सत्य है जिस पर आप लोगों को अमल करना है। पहले खुद लड़ो, तैयार हो, उसके बाद आपका कोई साथ देगा तो आपका जो है कुछ भला हो पाएगा। अगर आप ही अपने प्रति समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं और ये चुपचाप बस ऐसे ही हो जाए, बातों से हो जाए, इधर उधर टटिया की आड़ में शिकार हो जाए, तो भाई होना नहीं है, ये सब कोई जानता है। अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो अधिकारी के खिलाफ लड़ना होगा, एक्शन लेना होगा। आप तैयार नहीं तो कोई कुछ आपको न्याय नहीं दिला सकता। मेरा शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर में डीपीओ महोदय ने 20 सितंबर को लेटर जारी किया है, छाया एकीकृत ग्राम शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जिसको हम जो है CIVHSND पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मात्र बाल पोषण परामर्श कॉर्नर इसको बनाया जाएगा, जिससे रिलेटेड है। तो इसमें आगे क्या लिखा गया कि आप अवगत हैं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के द्वारा छाया एकीकृत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण दिवस का सुदृढ़ीकरण समुदाय में छाया एकीकृत ग्राम शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन ANM आशा आंगनबाड़ी इनके परस्पर समन्वय से किया जाता है, तथा निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार के पत्र 461 18 सितंबर का लेटर, जिसकी प्रति विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किया गया है, CIVHSND सत्रों पर सुनियोजित सुव्यवस्थित लाभार्थी केंद्रित पोषण परामर्श सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से मात्र बाल पोषण परामर्श कॉर्नर, जहां लक्षित लाभार्थी गर्भवती महिलाएं, धात्री 0 से 5 के बच्चे, पोषण संबंधी सेवाएं निश्चित स्थान पर उपलब्ध हो पाएंगी, साथ ही आवश्यकता अनुसार ANM द्वारा जाँच करना, स्क्रीनिंग, रेफरल करना बनाए जाने के लिए भी निर्णय से अवगत कराया गया है। तो ये यहाँ पर होगा CIVHSND, तो इसको आप छाया एकीकृत ग्राम शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कह सकते हैं। तो ये होने वाला है, तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। इसी से संबंधित कार्यक्रम का एक ये लेटर उन्होंने अपने वहाँ जारी किया है, जिसमें मातृ एवं बाल पोषण कॉर्नर बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आगे देखिएगा, एक ये बहन है, इन्होंने लिखा, भैया जी सरकार द्वारा जो फ़ोन दिया गया है वो फ़ोन ठीक नहीं है, यानी ठीक नहीं चल रहा है, तो फ़ोन में सिम कार्ड शो नहीं करता, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल बहुत सी बहनों को इस तरह की समस्याएं आती हैं, फ़ोन अगर रखा हो तो कॉल नहीं जाती उसमें, फ़ोन अगर आप चला रहे हैं तब कहीं सिम कभी कभी एक्टिव होती है तो कॉल पहुंच जाती है, अगर फ़ोन रखा तो उसमें कॉल तक नहीं जाती, कभी जाती कभी नहीं जाती, नेटवर्किंग की इशू है। तो इस तरह के फ़ोनों को लेकर के मैंने एक जो है लेटर, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया भी था किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया इस मामले में। यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बहन ने, विमला बहन ने एक जानकारी भेजी थी, अंजू देवी फतेहपुर से, उन्होंने अपने यहाँ से एक ये वीडियो भेजा है, देखेंगे और चैनल पर भी दिखा देंगे। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।